Hello everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with an amazing chapter. Basically, it's by ma one of my favorite writers. आधा कने डॉयल शर्लोक होम्स पता है शर्लोक होम्स की अमेजिंग डिस्कवरीज स्टोरीज इन्वेस्टिगेशंस। वो कितने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वर हैं ही इज सो इंटेलिजेंट सो बटी एट द सेम टाइम उनकी जितनी भी स्टोरीज होती हैं उसमें मिस्ट्री एलिमेंट होता है सस्पिशियस एलिमेंट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एडवेंचर भी होता है एडवेंचर नॉट इन द टर्म्स ऑफ ऐसा like, लगता you know, है, है that we are a part of it. अगर आपने शलॉक होम्स की कोई स्टोरी नहीं पढ़ी है तो मूवीज तो देखी ही होगी और अगर मूवी भी नहीं देखी है तो देख लेना बिकॉज इट इज अ मस्ट वॉच ओके सो हियर वी हैव अ स्मॉल पार्ट मतलब हमारे पास एक स्टोरी है और उस स्टोरी में ये जो है द रेड हेडेड लीग द रेड हेडेड लीग इज द नेम ऑफ द स्टोरी जो कि आपकी क्लास एट ही ऑक्सफोर्ड बुक के सिक्स यूनिट का ए सेक्शन है एंड दिस इज अडेप्टेड इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो मेन स्टोरी है सेम जो नॉवल लिखा गया है उसी में से ये एक जो है एक्सट्रैक्शन है एक्सट्रैक्शन ही अडेप्टेड है मतलब स्टोरी सेम है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको शॉर्ट वर्जन कर दिया है क्लियर तो अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं इट्स लाइक थिंग जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है सो तैयार हो जाओ लेकिन बिफोर वी स्टार्ट बिफोर वी स्टार्ट वी विल नो समथिंग अबाउट द राइटर सो हियर ही इज आर्थर कनॉन जॉयल, जो कि 1859 से 1930 तक थे आई विश ही लिव्ड मोर एंड वी वुड हैव गॉट सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज इज मोस्ट फेमस फॉर द क्रिएशन ऑफ स्पेक्टिशियस कैरेक्टर शलॉक होम्स तो इन्होंने जो कैरेक्टर बनाया था शलोक होम्स इसके लिए ही सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपार्ट फ्रॉम डिटेक्टिव फिक्शन ही हैज़ रिटन फैंटसी एंड साइंस फिक्शन तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने लिखा है जिसके लिए फेमस हैं वो हैं डिटेक्टिव फ़िक्शन और इसके अलावा इन्होंने साइंस फिक्शन भी लिखा है फैंटसी नॉवल्स भी लिखे हैं ही हैज़ ऑल्सो रिटन पोम्स प्लेज एंड नॉन फिक्शन उन्होंने पोम्स भी लिखे हैं प्लेज भी लिखे हैं और कुछ नॉन फिक्शन स्टोरीज भी लिखी हैं जॉर्ज वॉज ट्रेंड टू बी अ डॉक्टर

Who are the characters? So here is a play that portrays the brilliant Sherlock Holmes at its best. यहाँ आपको पता चलेगा and एक-एक चीज -एक बहुत ध्यान से समझना। मतलब आपको लगेगा, my God, इतना observe कोई कैसे कर सकता है? So यहाँ पे first of all we have Sherlock Holmes, हम सारे characters देख रहे हैं, who is the famous detective, Doctor Watson जो हर Sherlock Holmes की movie में होते हैं, because he is his best friend. एंड ही इज अ डॉक्टर जेब्स विल्सन जेब्स विल्सन कौन है आ रेड हेयर शॉपकीपर सो यही वो इंसान है जो शेलॉक होम्स के पास अपना केस लेके आए हैंडलिंग जेब्स वैर इनका एक और नाम है वो है जॉन क्ले जिसके बारे में हम बाद में पता लगाएंगे जनकन जॉस जनकन जॉस कौन है स्पॉडलिंग के अकम्पलेस है मतलब वो स्पॉडलिंग के साथ काम करते हैं विन्सन स्पॉडलिंग के साथ काम करते हैं अ मैन विथ रेड हेयर इनके भी बाल लाल हैं मिस्टर जोन्स अब मिस्टर जोन्स कौन है अ डिटेक्टिव फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड एक और है मिस्टर जोन्स जो कौन है डिटेक्टिव है स्कॉटलैंड यार्ड से क्लियर नाउ लेट स्टार्ट सीन वन पर्दा ओपन होता है होम्स रीडिंग फ्रम न्यूज पेपर अब यहां पे जैसे सीन वन जो है उसमें होम्स जो है ही इज रीडिंग समथिंग फ्रोन न्यूज पेपर टू द रेड हेडेड लीक There is now a vacancy which entitles a member of the league to a salary of four pounds a week for purely nominal services. All red-headed men who are sound in body and mind and above the age of 21 are eligible. So basically, वो क्या पढ़ रहे हैं? वो एक नौकरी का advertisement पढ़ रहे हैं, एक job का advertisement पढ़ पढ़ रहे हैं. To the red-headed league, red-headed league का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनके बाल जो हैं, वो red color के होते हैं. सो so, बाहर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके बाल एकदम रेड कलर के होते हैं तो टू द रेड हेडेड लीग ये जॉब सिर्फ रेड हेडेड लीग के लिए है देयर इज नाउ अ वैकेंसी एक वैकेंसी है रेड हेडेड लीग में जहां अब एक मेंबर की जगह है लीग में जिसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी 4 पाउंड्स अ वीक फोर पाउंड वीक ये एक आपकी सैलरी मिलेगी फॉर प्योरली नॉमिनल सर्विसेज मतलब आपसे ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं कराया जाएगा बहुत सिंपल सा काम कराया जाएगा अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जैसे नॉर्मली क्वालिफिकेशन क्या होती है आपका ग्रेजुएशन हो सक होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए या सिर्फ दो क्वालिफिकेशन थी पहली चीज़ आप एक रेड हेडेड इंसान होना चाहिए मतलब आपके बाल लाल होने चाहिए दूसरी चीज अ पर्सन हु मस्ट बी साउंड इन माइंड एंड बॉडी इसका मतलब आप जो हो वो सही होने चाहिए हो मतलब यू कैन नॉट बी क्रेजी आप जो हो एक फिट इंसान होने चाहिए हो एंड लास्ट वन आपकी एज ट्वेंटी वन ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए सिर्फ ये क्वालिफिकेशन चाहिए थी अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे एट इलेवन ओ क्लॉक टू डन कंजॉस

तब वो क्या बताते हैं कि मिस्टर विल्सन ये जो है ये डॉक्टर वॉटसन हैं ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और तुम इनके सामने मतलब मैंने इनके साथ बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए हैं ये एक तरीके से मेरे पार्टनर हैं और तुम इनके सामने बिना झिझक के बात कर सकते हो जस्ट लाइक तुम मेरे सामने बता रहे थे तुम इनके सामने भी बता सकते हो क्या आपकी जो स्टोरी एक बार आप डॉक्टर को फिर से बताओगे गिव हिम द एडवर्टिंग न्यूज पेपर भी दो एडवर्टीजमेंट जो है जो आया है छपा है वो इन्हें रीड करना चाहिए न्यूज पेपर टू वाटस वाटसन को न्यूज पेपर देता है होम्स टू वाटसन अब होम्स क्या बोलता है यू कैन टेल मी नो डाउट दैट अट है अब होम्स जो है वॉटसन से क्या बोलता है तुम इनको देख के ही बता सकते हो कि हमारे ये जो जनाब सामने बैठे हैं ये अभी भी चाइना से भी होके आए हैं और इन दिनों ये काफी ज्यादा राइटिंग वर्क कर रहे हैं विल्सन शॉक्ड व्हाई हाउ एन अब वो शॉक हो जाता है आपको कैसे पता होम्स टू विल्सन You have a tattoo of a fish with pink scales on your right wrist that indicates a process particular to China. उसने बोला अब देखो यहाँ पे वो कितने keen observer हैं उन्होंने बोला आपके right wrist में एक fish का tattoo है जिसमें pink scales हैं और ये pink scales जो है it is a process जो China में ही specially होता है एंड दैट चाइनीज कॉइन डेंगलिंग फ्रॉम योर की चेन और जो तुम्हारी जो की चेन है गाड़ी की जो चाबी है तुम्हारी उसमें एक चाइनीस कॉइन लटका हुआ है जो कन्फर्म करता है कि आप चाइना गए हो बट दिल्सन बोलते हैं हाँ ठीक है तुम्हें यह तो पता चल गया लेकिन राइटिंग का पार्ट कैसे पता चला वाई योर राइट कफ शाइनी कंपेयर टू योर लेफ्ट वन एंड द लेफ्टन हैज स्मूथ पैच नियर द एल्बो वे यू रेस्ट इट अपॉन द डेस्क उसने बोला कि जब आप लिखते हो तो ऐसे करके लिखते हो यूजुअली जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा अगर राइटिंग वर्क होता है तो एक एल्बो जो है वो ऐसे रख लेते हैं एंड वो लिखते हैं तो उसने बोला जो तुम्हारी राइट right हैंड का जो कफ़ है कफ मतलब जो तुम्हारे सूट का जो बटन होता है वो काफ़ी घिसा हुआ है इसका मतलब तुम जब लिखते हो तो घिसता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है और तुम्हारा जो लेफ़्ट वन है इट हैज़ अ स्मूथ पैथ स्मूथ पैच ऑन द एल्बो मतलब जब एल्बे टिके टिके एल्बो को टिकाए टिकाए जो होता है उसमें एक स्मूथ पैच बन गया है जो तुम्हें उसको डेस्क के ऊपर टिकाते हो विल्सन ने बोला यस दैट्स राइट मतलब क्या बात है वॉटसन ने कहा पुटिंग अवे द न्यूज़पेपर इट्स वेरी स्ट्रेंज इन मतलब ये बहुत ही अजीब तरीके का एडवर्टीजमेंट है दो महीने पहले का न्यूज पेपर है होम्स ने क्या बोला नाउ मिस्टर सेल्फ अब उसने बोला चलिए अब आप अपनी स्टोरी बताइए हमको अब जो ये आदमी है मिस्टर जेम्स विल्सन जो अपनी एक केस लेके आए हैं डॉक्टर होम्स के मतलब होम्स के पास वो अपनी स्टोरी बताते हैं आई ओन अ पॉन शॉप ऑन कोबर्ग स्क्वायर इट्स अ लिटिल शॉप एंड इट मेक मच मनी बट आई हैव इनफ टू गो ऑन उसने क्या बोला मैं एक मेरे पास एक पॉन शॉप है पॉन शॉप क्या होती है जहाँ पे जाके जैसे सपोज यू नीड मनी और समथिंग तो आप जाते हो और आप बोलते हो सी आई हैव अ वॉच ंग यू दिस वॉच यू गिव मी दउंट और दूसरी चीज क्या होता है कि मैं एक महीने बाद इस वॉच को आके पैसे वापस करके ले जाऊंगा अगर मैं नहीं आ पाया देन यू हैव ऑल द राइट कि तो मैं इस वॉच को किसी को भी सेल कर सकती हूँ दैट इज नोन एज अ पोर्न शॉप तो उसने बोला मेरी एक पोर्न शॉप है कहाँ पे है सेक्स कोबर्क स्क्वायर पे ये एक छोटी सी शॉप है और ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत पैसे मैं कमा रहा हूँ लेकिन मेरा काम चल जाता है आई हैव एन असिस्टेंट विंसेंट स्पॉडलिंग

Though he is not short of ऑफ has a white scar on his forehead. He is a good worker. I couldn't afford an assistant, but he agreed to work for half wages. I could not find a smarter assistant. उसने क्या बोला वो जो मेरा विंसेंट मॉडल विंसेंट है वो छोटा है मतलब उसकी हाइट कम है a stout built, मतलब थोड़ा सा हल्का सा प्लम्प है बहुत जल्दी जल्दी काम करता है और उसके फेस पे कोई बाल नहीं है मतलब उसकी बियर्ड वगैरह कुछ नहीं है दो ही इज नॉट शॉर्ट ऑफ थर्टी मतलब वो कोई थर्टी ईयर्स से कम का नहीं है लेकिन उसके बाद भी उसके फेस पे कोई ऐसा छह नहीं है ही हैज अ वाइट स्कार ऑन हिस्स फोर उसके फोर हेड पे एक वाइट स्कार है एंड वो काफ़ी अच्छा काम करता है उसने बोला कि मेरे पास इतने पैसे मैं नहीं कमाता कि मैं एक असिस्टेंट रख लूँ लेकिन उसने क्या बोला कि मैं आधे पैसे में काम करने को तैयार हूं और मुझे उससे अच्छा असिस्टेंट नहीं मिल सकता तो मैंने उसे रख लिया ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द सेलर ऑफ द शॉप वेयर ही डेवलप्स हिज फोटोग फोटोग्राफ्स तो उसने क्या बोला लेकिन जो शॉप का जो बेसमेंट है सेलर मतलब जो बेसमेंट में जो रूम है वहाँ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि वो एक फोटोग्राफर है तो अपने फोटोग्राफ्स को डेवलप करता है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एन अमेच्योर फोटोग्राफर उसने मुझे बताया है कि वो अभी बस नया नव सीखिया है वो नया नयाट हीसार्क उसको एक ऐसी जगह अंधेरा हो जहाँ पे वो अपनी फोटोग्राफ्स को कर me, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपना काम पूरा करता है फिर कहीं पर भी जाए क्या फर्क पड़ता है होम्स ने बोला hmm. ने अब क्या बोला वेल ही शोड मी दोल्ड मी दैट इज लीक वॉज से तो उसने मुझे ये एडवर्टिजमेंट दिखाया उसने बोला ये जो लीग है रेड हेडेड लीग जो है ये ऑल रेडेड रेड हेडेड मैन को सपोर्ट करना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने ये लीग बनाया है ही सेट दैट आई शुड नॉट लेट सच एन ऑपर्चुनिटी पास उसने मुझे कहा कि इतनी अच्छी ऑपरचुनिटी आप हर वीक फोर पाउंड्स मतलब कमा रहे हो ये आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए ये ऑपरचुनिटी आफ्टर सम थॉट आई अग्रीड और मैंने भी सोचा चलो पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है मैंने अग्री कर लिया

तो जैसे जनकन रॉस मुझसे मिले वो काफी खुश हुए उन्होंने कहा जो जो रिक्वायरमेंट्स इस जॉब के लिए हैं वो सब में आप परफेक्ट बैठते हो आई वॉज ओल्ड इनफ एंड माई हेयर वॉज अट कलर मैं ट्वेंटी वन से बड़ा भी था और मेरे हेयर का कलर भी राइट था हाउ डिड योर जॉब इन वॉट डिड योर जॉब इन्वॉल्व अब होम्स ने क्या पूछा तो आपको इस जॉब में करना क्या होता था I was to be in the office between the hours of 10 in the morning and 2 in the afternoon. मुझे सिर्फ सुबह 10 बजे से दोपहर के 2 दो बजे तक उस ऑफिस में रहना होता था and not leave for any reason. और किसी भी रीज़न के लिए मैं वो ऑफिस छोड़के नहीं जा सकता था मिसर् स्पॉडलिंग सेट दैट ही कुड अटेंड टू द बिजनेस फॉर द शॉर्ट पीरियड और जो मेरे असिस्टेंट थे विंसड स्पॉडलिंग उन्होंने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं है दो से मतलब दस बजे से दो मतलब सिर्फ फोर आवर्स की बात है मैं शॉप का ख्याल रख लूंगा वेल आई आस्क वॉट आई वज टू डू मैंने उनसे पूछा कि ठीक है दस बजे से दो बजे तक मुझे यहाँ रहना है पर मुझे करना क्या है आई कुड यूज़ एन एक्स्ट्रा फोर पाउंड वीक यू सी तो उसने बोला यार एक्स्ट्रा फोर पाउंड्स मिलेंगे तो मुझे क्या दिक्कत है मिस्टर ऑस टोल्ड मी दैट वॉज टू कॉपी द इंसाइक्लोपीडिया उसने बोला कि आपको कुछ नहीं करना आप सिर्फ इंसाइक्लोपीडिया को कॉपी करना है इनसाइक्लोपीडिया को कॉपी कोई क्यों करेगा कॉपी द इनसाइक्लोपीडिया होम्स ने पूछा ये वेल आई वॉज वेरी प्लीज मिस्टर होम्स आई वेंट होम फीलिंग वेरी हैप्पी बट दैट इवनिंग आई बिगेन टू थिंक अगेन कॉपिंग फ्रॉम अ बुक इज स्ट्रेंज वर्क फॉर अ मैन टू डू उसने बोला मुझे लगा ये तो बहुत आसान काम है मैं बड़ा खुश होकर वापस चला गया मिस्टर होम्स लेकिन जब मैं घर गया तब मैंने सोचा कि ये कैसा काम है मतलब कोई क्यों एक बुक से जो है कहीं कॉपी करेगा वॉट्सन वेरी स्ट्रेंज यस वॉट्सन ने बोला ये तो बड़ी ही अजीब बात है विल्सन ने बोला द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू पोप्स कोर्ट विद माई पेन एंड सम पेपर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ऑफिस गया एक पेन के साथ और कुछ पेपर्स लेके गया था मिस्टर रॉस वॉज देयर बट ही सून वेंट अवे एंड आई बिगेन माय वर्क मिस्टर रॉस भी वहीं पे थे लेकिन मेरे आने के बाद वो वहाँ से चले गए और मैंने अपना काम चालू कर दिया आई वेंट इन एवरी मॉर्निंग एट टेन क्लॉक मैं हर मॉर्निंग दस बजे वहाँ जाता था एंड वेंट होम एट टू और दो बजे घर चला जाता था एंड ऑन सैटरडे मिस्टर रॉस गेव मी माई फोर पाउंड्स और सैटरडे को मिस्टर रॉस मुझे मेरे फोर पाउंडस दे देते थे हाउ लॉन्ग डिट यू वर्क देअर अब होम्स ने क्या पूछा आपने वहाँ कितने टाइम तक काम किया

अब वो वो क्या लिखा हुआ उसमें कि लीग जो है वो है खत्म हो गई और आज की डेट डली हुई थी होम्स ने पूछा जैसे तुमने ये पढ़ा तुमने क्या किया आई वेंट टू next बिल्डिंग एंड आई office द मैन पे गया और मैंने पूछा ये रेड हेडेड लीक का क्या हुआ He said he was not familiar with a Mr. Ross or the league. उसने बोला वो किसी Mr. Duncan Ross को या कोई red headed league को नहीं जानते. Instead he told me that a Mr. William Morris, a solicitor, had rented the room until yesterday and had moved out. In fact उन्होंने मुझे ये बताया कि कोई miss, excuse me कोई Mr. William Morris हैं जो कि एक solicitor हैं, कि lawyer हैं और उन्होंने कल तक के लिए room को rent पे लिया था और आज उन्होंने खाली कर दिया. I asked about आस्ट forwarding address and when told, I went directly and found it to be a vacant lot. तो मैंने बोला ठीक है तो जो उनस दिया है आप मुझे वो एड्रेस दो लेकिन जब मैं उस एड्रेस पे गया तो वो भी खाली था वहाँ पे भी कोई नहीं था होम्स ने बोला यू डिड नॉट फाइंडर विलियम मॉडिस और अस्टर डनक एम आई राइट उसने बोला ना तुम्हें कोई मिस्टर डनक नाम का इंसान मिला ना तुम्हें मिस्टर विलियम मॉडिस नाम का इंसान मिला एम आई राइट उसने बोला यू आर आई द होल अफेयर वॉज वेरी सीन यू आर यू नो अब उसने क्या बोला यू सी बेसिकली वो क्या बताना चाहिए विल्सन ने बोला देखो तुम ये पूरा अफेयर जो है बहुत स्ट्रेंज है एंड आई थर्ट परस यू कुड शेड सम लाइट ऑन द मैटर उसने क्या बोला यू अंडरस्टैंड दैट ये पूरा जो मैटर था कि मेरे को अचानक से काम मिला अचानक से बंद हो गया वहां कोई नहीं था कोई इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानता था कोई रेड हेडेड रेड़ लीग नहीं थी तो मुझे ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा इसलिए मैं आपके पास आया शायद आप मुझे बता पाए कि इसमें क्या दिक्कत है होम्स थोड़ा सोचे फिर क्या बोले वेर इज विंसेंट नाउ आपका असिस्टेंट कहाँ है अभी वेयर इज विंसेंट ही इज एट द शॉप उसने बोला वो शॉप पे है उसने बोला चलिए ठीक है हम आपकी और मेरी बात हो चुकी है आज सैटरडे है मंडे से पहले मैं आपको आपका जवाब दे दूंगा विल्सन थैंक यू मिस्टर होम्स विल्सन गोज आउट वो बोलते हैं थैंक यू सो मच और वो बाहर चले जाते हैं अब होम्स क्या बोलता है उसने बोला हमें बहुत जल्दी काम करने की जरूरत है। हम अभी के अभी कहाँ जा रहे हैं है वहां पे वहां पे पॉन्ड ब्रोकर की शॉप है अब आता है सीन टू आउटसाइड विल्सन शॉप इन सेक्स कोबर्ग स्क्वायर होम्स इज वॉकिंग अप एंड डाउन नाउ एंड देन ही हिट्स द ग्राउंड आउटसाइड द शॉप विद his वॉकिंग स्टिक अब यहाँ पे क्या हो रहा है मिस्टर जो होम्स हैं शलोक होम्स हैं वो विल्सन की शॉप के बाहर हैं और वो आगे पीछे वॉक कर रहे हैं और कहीं कहीं वॉक करके ना वो अपनी स्टिक जो उनके पास एक स्टिक है उस स्टिक से वो ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं उनकी जो वॉकिंग स्टिक है उससे वो ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं देन ही नॉक्स ऑन द डोर ऑफ द शॉप फिर वो शॉप के डोर को नॉक करते हैं स्पॉडलिंग ओपन शॉप डोर स्पॉडलिंग दरवाजा खोलता है लेग्स ऑफ इज ट्राउजर्स आर डॉ उसके जो ट्राउजर्स है उसके जो पैंट हैं उसका नीचे का पार्ट पूरा डर्टी हो रखा है स्पॉटलिंग बोलता है कैन आई हेल्प यू होम्स बोलते हैं यस हाउ कैन आई गेट टू द स्ट्रैंड मुझे स्ट्रैंड जाना है मैं स्ट्रैंड कैसे जाऊं स्पॉटलिंग ने बोला थर्ड ऑन द राइट एंड फोर्थ ऑन द लेफ्ट मतलब यहाँ से थर्ड में जाके राइट लो और उसके बाद फोर्थ में लेफ्ट ले लेना ही गोज बैक इन टू द शॉप एंड क्लोजेज द डोर फिर वो वापस शॉप के अंदर जाता है दरवाजा बंद कर देता है होम्स, होम्स ही इज़ अ क्लेवर यंग मैन से क्या बोलते हैं ये बहुत चतुर आदमी है इज हिम you know well. अब वो बोलता है लेकिन अच्छा वो स्मार्ट है मतलब मुझे समझ में नहीं आया तुमने स्ट्रैंड के बारे में क्यों पूछा तुम्हें तो लंडन का चप्पा चप्पा पता है तुम उससे कुछ जानना चाहते थे डिड यू नोटिस ने बोला नो बट आई सॉ यू हिट द ग्राउंड विथ योर स्टिक उसने मिला मैंने उसके ट्राउजर्स तो नहीं देखे लेकिन हाँ मैंने ये देखा था तुम बाई स्टिक को ग्राउंड को स्टिक से मार रहे थे होम्स माई डियर वॉटसन, दिस इज नो टाइम फॉर डिस्कशन आई मस्ट गो एंड लुक एट द रोड्स बिहाइंड सेक्स कोबर्क स्क्वायर यू हैड टू गो टू योर वर्क उसने बोला अभी मेरे पास डिस्कशन का टाइम नहीं है मुझे अभी के अभी इस शॉप के ऑपोजिट साइड में जाना है तुम्हें कुछ काम था ना तो वो बोलता है टू द हॉस्पिटल हाँ मुझे हॉस्पिटल जाना था तो उसने बोला होम्स ने राइट बट आई वॉन्ट योर हेल्प टू नाइट कम एट टेन ओ क्लॉक उसने बोला तुम्हें हॉस्पिटल जाना था ना तुम अभी जाओ लेकिन दस बजे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो एग्जैक्टली exactly रात के दस बजे तुम आ जाना अब आता है सीन थ्री द स्ट्रॉन्ग रूम एट बैंक विथ मेनी बॉक्सेस एंड क्रेट्स इन इट अब वहां पे जैसे सीन थ्री जो है उसमें एक बैंक का स्ट्रोंग रूम है स्ट्रोंग रूम मतलब लॉकर जो होते हैं जहाँ बैंक का पूरा पैसा होता है उसमें बहुत सारे बॉक्सेस और क्रेट्स रखे हुए हैं होम्स वॉटसन एंड जोन्स जोन्स कौन है एक और डिटेक्टिव है आर ऑन स्टेज हाइडिंग बिहाइंड सम बॉक्सेस और वहां पे वो बॉक्सेस के पीछे छुपे हुए हैं होम्स इज एवरी थिंग वेरी मिस्टर जोन्स अब वो मिस्टर जोन्स से बोलते हैं ऊपर सब कुछ तैयार है जोन्स बोलते हैं माई मैन are वेटिंग एट द फ्रंट डोर ऑफ द बैंक एंड नियर द शॉप मेरे सारे जो आदमी लोग हैं मतलब जितने भी पुलिस वाले हैं वो फ्रंट डोर पे हैं बैंक के और वो शॉप के सामने भी हैं। होम्स गुड नाउ वी मस्ट बी क्वाइट एंड वेट अब हमें चुप रहना चाहिए और वेट करना चाहिए ही पुट्स आउट द लाइट और वो लाइट बंद कर देते हैं द स्ट्रॉन्ग रूम इज डार्क बट वी कैन सी द मैन वेटिंग बिहाइंड क्रेट्स अब स्ट्रॉन्ग रूम एकदम डार्क है लेकिन ऑडियंस जो है उनको दिख रहा है कि लोग पीछे छुपे हुए हैं है। नथिंग है। तो है? अरे यार सवा ग्यारह हो गया ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट हो गया इट्स इलेवन फिफ्टीन कब और तभी होम्स उसको क्या बोलते हैं डोंट इंपेरल आर इन्टिगेशन इंपेरल का मतलब क्या होता है खतरे में मत डालो हमारी इन्वेस्टिगेशन को डेंजर में मत डालो दिस सी अ लाइट कमिंग थ्रू द स्टोन फ्लोर और तभी उनको क्या दिखता है जो स्टोन का फ्लोर है वहां से लाइट आ रही है सडनली द स्टोन गिव्स अवे और वो स्टोन हट जाता है फर्स्ट हैंड विद अ गन कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एक हैंड जिसमें एक गन होती है वो ग्राउंड के बाहर आता है देन अनदर हैंड और फिर एक और हाथ बाहर आता है स्पॉडलिंग कम्स आउट फॉलोड बाय और कौन निकलते हैं वहां से विंसेंट स्पॉडलिंग और डनक आते हैं वहां से स्पॉडलिंग टू जोस नाउ हैव यू गॉट अब स्पॉडलिंग जॉस से पूछता है अरे तुम वो लेके आए हो क्या उतना विद लाइट होम्स कम तभी होम्स जो है लाइट ऑन करके पीछे से आता है एंडलिंग के आम को जोर से मारता है नाउ द गन इज ऑन द ग्राउंड है वो गिर जाती है टनल रॉस वापस टनल में जाता है जो स्टॉप हिम बट ही के नॉट जोन्स उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता यू कैन गेट अवे जॉन क्ले और होम्स क्या बोलता है तुम यहां से निकल नहीं सकते जॉन्स जॉन क्ले नो, नो, बोलता बोलता है है no, लेकिन मेरा दोस्त डोंट वरी, इस टनल के दूसरे एंड पे तीन लोग ऑलरेडी उसका वेट कर रहे हैं स्पॉर्डलिंग यू थिंक ऑफ एवरी थिंग मिस्टर होम्स यू आर वेरी क्लेवर स्पॉर्डलिंग क्या बोलता है तुम तो हर चीज के बारे में सोच के रखते हो तुम तो बहुत क्लेवर हो होम्स बोलता है सो आर यू जॉन क्ले Your red league was clever. उसने बोला तो तुम भी बहुत क्लेवर हो जॉन क्ले क्योंकि उसका असली नाम क्या था जॉन क्ले उसने बोला तुम्हारा रेड हेडेड लीग का आइडिया बड़ा ही क्लेवर था अब आता है सीन फोर शेलोक होम्स स्टडी होम्स एंड वॉटसन आर सिटिंग इन चेयर शेलोक होम्स की स्टडी मतलब उसके स्टडी रूम में शेलोक होम्स और वॉटसन दोनों बैठे हुए हैं होम्स बोलता है देर वॉज नेवर एनी रेड हेडेड लीग The villains wanted Wilson away from the shop for some hours every day. तो basically क्या था कोई रेड हेडेड रेड़ लीग थी ही नहीं इतना तो आप समझ गए हो जो विलन्स थे विलन्स मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं जॉन क्ले की और डंकन जॉस की इन लोग ये लोग क्या चाहते थे कि जो जेब्स विल्सन है जो शॉप का ओनर है वो थोड़े टाइम के लिए कुछ घंटों के लिए शॉप से दूर चले जाए बट हाउ कुड दे डू इट लेकिन वो ऐसा कल कैसे पाएंगे कलर ऑफ रोसेस हेयर एंड थाडेड लीक फिर जो जॉन क्ले था उसने इसके बालों का कलर देखा विल्सन के और उसके दिमाग में ये आइडिया आया रेड हेडेड लीक का सो वेन वेन टू वर्क इन देअर ऑफिस एवरी डे तो जब भी विल्सन जो था टेन ओ क्लॉक से टू ओ क्लॉक तक उसके ऑफिस में काम करने जाते थे फोर आवर्स मिल जाते थे देम टू मेक देअर टनल वेरी क्लेवर वो चार घंटे में वो क्ले पूरा जो है टनल बनाते थे so spodling is john clay the notorious thief when did you first know that the so, watson ने बोला तो spodling जो है वो john clay है जो एकदम जो बहुत बड़ा जो है द, चोर है तुम्हें लेकिन कब पता चला कि वो जॉन क्ले है आई सस्पेक्टेड वेन स्पॉडलिंग वॉज हैप्पी टू वर्क फॉर हाफ वेजेस ये मुझे तब डाउट हुआ जब वो आधे पैसों में काम करने के लिए तैयार था वाई आई थॉट मैंने सोचा क्यों तैयार है ये

शॉप तुमने देखा था कि मैं बाहर शॉप के बाहर स्टिक से मार रहा था यस नाउ आई अंडरस्टैंड यू वॉन्टेड टू नो इफ द सेलर वॉज इन फ्रंट ऑफ द शॉप तुम्हें ये देखना था कि जो सेलर है वो शॉप के फ्रंट में है या बैक में है Yes, वहां सेलर नहीं था द सेलर वॉज बिहाइंड शॉप सेलर कहाँ था शॉप के पीछे था देन आई सॉ द मैन स्पॉडलिंग तब मैंने वहां पर स्पॉडलिंग को देखा आई रिकोगनाइज हिम इमिडिएटली और मैं जो हूं उसको मैं तुरंत पहचान किया जब मैंने उसको उसने दरवाजा खटखटाया था ना तब मैंने उसको तुरंत पहचान दिया डिड यू सी हिज ट्राउजर्स तुमने उसके ट्राउजर्स देखे थे दे वर डर्टी वॉटसन वो गंदे थे वाई बिकॉज मेकिंग अ टनल इज अ डर्टी वर्क वो गंदे क्यों थे क्योंकि टनल बनाना एक डर्टी वर्क है वॉटसन वेरी क्लेवर होम्स मतलब क्या बात है होम्स ने क्या बोला देन आई वेंट इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट फिर मैं वहां से दूसरी स्ट्रीट में गया एट द बैक ऑफ द शॉप ये देखने के लिए कि वहां क्या है और मैंने वहां क्या देखा द फर्स्ट बैंक एक बैंक था वहां पे द बैंक यस ऑफकोर्स वॉटसन ने कहा वाई इज दैट यंग मैन मेकिंग अ टनल आई थॉट टू गेट इन टू द बैंक स्ट्रॉन्ग रूम ऑफकोर्स फिर मैंने सोचा ये आदमी जो है ये बना क्यों रहा है टनल और देखा तो ओके okay, ये बैंक के स्ट्रांग रूम में जा रहा है बट वाई टू नाइट हाउ डिड यू नो लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आज ही करने वाले हैं वो लोग ये काम

हंसते हुए क्या बोले वो बट दे डिड नॉट गेट अवे होम्स यू आर वेरी क्लेवर लेकिन वो निकल नहीं पाए तुम बहुत क्लेवर हो दैट्स वेरी ट्रू वॉटसन होम्स ने बिना हँसते हुए क्या बोला बिल्कुल सही कह दो मैं बहुत क्लेवर हूँ देट वॉज द स्टोरी गाईज द रेड हेडेड लीग रिटन बाई आथर कान जॉयल दिस इज अडेप्टेड वर्जन अगर आप इसका फुल स्टोरी पढ़ोगे दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अ लॉड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज स्टिल देयर आपको स्टोरी का क्रिस्प तो दे दिया लेकिन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज स्टिलयर विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग So, that is it for this particular video. Thank you so much. Here we are done with the chapter explanation. In our next video, we are going to see the summary of this chapter along with the question answers and then we also have grammar solutions. So, thank you again for being with me. Do not forget to visit our website which is magnetbrains.com. Just click on courses. Select the subject, select the class, and once you select the subject, you can select the topic, whatever you want to study, and your video will appear. Now, this is a very easy way to find your video without wasting any time in searching. Why? Because everything has been planned. And do not forget to like, subscribe, and share. Thank you so much. Take care of yourselves. Bye bye.